दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दिल्ली एयरपोर्ट। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको विस्तारा एयरलाइन का चेक इन करने के लिए लेफ्ट साइड में चेक इन काउंटर नंबर बी पे जाना पड़ेगा। रास्ते में आपको एक ब्यूटीफुल हाथी दिखेगा और आजकल वेब चेक इन मैंडेटरी है, जैसा कि हम आपको भी बताएंगे। विस्तारा अहमदाबाद नहीं किया यार, वहाँ पे सेल्फ चेक इन काउंटर है, सीधे जाके रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे सेल्फ चेक इन मैंडेटरी है? मैंडेटरी है सर। ठीक है, मैंडेटरी करके सीधे जाके रहते हैं, चलिए तो मैं साफ करा आपको। ये हमारा सेकंड काउंटर। सो आफ्टर सेल्फ चेक इन विल गेट योर लगेज टैग एंड बोर्डिंग पास। तो सेल्फ चेक इन करने के बाद आपको वापस लगेज काउंटर पे जाना है अपने लगेज को चेक इन कराने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं लगेज काउंटर पे, वहाँ से अगर आप रिक्वेस्ट करें तो अपने सीट्स वगैरह चेंज भी करा सकते हैं अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो। जैसे कि मैंने अपनी सीट चेंज कराई थी वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने मेरी सीट को चेंज कर दिया था, जैसे कि मेरे को विंडो सीट चाहिए थी तो मुझे विंडो सीट मिल गई थी। So this is my luggage tag. Thanks. It's fine. तो फ्रेंड्स अभी हमने कर लिया है अपना लगेज चेक इन, अभी हम जाएंगे हमारे बोर्डिंग गेट पे। हमारा बोर्डिंग गेट है 51। एक्चुअली आपको यहाँ पे जाने से पहले सिक्योरिटी क्रॉस करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी क्रॉस करके आप दिल्ली ड्यूटी फ्री में एंटर कर जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, फर्दर आपको दिखाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशंस। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी क्रॉस चेक करेंगे सामने ड्यूटी फ्री में आपको एक छोटी सी मिनी कार दिखेगी, इलेक्ट्रिक कार, कोई ये लकी ड्रॉ प्राइस रहेगा, बहुत अच्छा प्राइस है।
काफ़ी है, ड्यूटी फ्री लकी ड्रॉज निकलते रहते हैं, तो उसका ये प्राइस रहेगा। लुक्स नाइस कार, बहुत अच्छी कार दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हुए ये सभी साइड में हमारे ड्यूटी फ्री शॉप्स रहेंगी, बैग्स वगैरह, आई ग्लासेस, जो भी है, काफ़ी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, परफ्यूम्स है, सिगरेट वगैरह वगैरह सब है। रास्ते रास्ते में आपको आपकी स्क्रीन डिस्प्ले भी दिखेंगी, आप वहाँ पे भी अपना सिक्योरिटी सॉरी बोर्डिंग गेट चेक कर सकते हैं, कहीं बाद में चेंज तो नहीं हो गया है। रास्ते में आपको खाने की शॉप, ज्वेलरी शॉप वगैरह सब कुछ मिलेगा। इन्फॉर्मेशन डेस्क भी रहेंगे बीच बीच में, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम ये सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, वहाँ पे अपना गेट चेक करेंगे और फिर आगे जाएंगे अपने फ्लाइट गेट की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा गेट सेम ही है अभी तक 51, तो अभी हम अपने 51 गेट की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा अभी हमको, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में गेट नंबर लिखे हुए हैं जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 से 21 तक गेट है, अलग साइड में है, 21 से 42 तक है, और आगे वाले 57 तक जो भी गेट्स वगैरह 62 तक गेट हैं, वो सब आपको दिख जाएंगे। ये फिर आगे आपके गेट्स तक ड्यूटी फ्री शॉप्स रहेंगी, स्मोकिंग्स है वगैरह है, बुक्स वगैरह हैं, बुक स्टॉल हैं काफ़ी, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी किताबें मिल सकती हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक है, बहुत सारे बुक स्टॉल्स हैं यहाँ पे, और गेट 1 बाय 1 ऑफर भी चला हुआ था जब मैं यहाँ पे ड्यूटी फ्री में गया था, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शंस था यहाँ पे, देख करके अच्छा लगा। दिखाते हैं अभी आपको एक और मेजर चीज़ है, जो ये है जिसे आप इंटर करेंगे अपने बोर्डिंग गेट्स के साइड में, आपको सूर्य नमस्कार की अलग अलग पोजीशंस दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के योगास दिखाई देंगे। तो भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ ये एक अद्भुत बाद में आके फिर से दृश्य रहेगा यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार की अलग अलग 8 से 9 पोजीशंस को दिखाया गया है, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ऊपर से स्टार्ट होता है, पहली पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है, सिक्स्थ पोजीशन है, ये अलग अलग टाइप के योगा हैं जो सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करने के काम आते हैं। तो बहुत ही अच्छा था ये सब दृश्य देख के, बहुत ही अच्छा लगा। और तो ये हमारी बेसिकली इंस्पायर्स फॉर द हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए हमें इंस्पायर करती हैं, तो हमें उठकर डेली योगा करना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, बोर्डिंग गेट हमारा 51 है, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, लेट ना हो जाए कहीं पे हमको। अभी हम अपने गेट्स की तरफ पहुंच गए हैं, अलग अलग टाइप के प्रमोशंस लगे हैं, अलग अलग स्टेट्स के लगे हुए हैं, जैसे मैं देख रहा था बिहार का लगा हुआ था वैभव, तो बहुत अच्छा लगा उन सब चीज़ें देख के, तो बहुत ही अच्छा था। चलिए फिर से भागते हैं हमारी बोर्डिंग गेट की तरफ, ये अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमें, बिल्कुल लास्ट में है।
तो ये हमारा लास्ट है और अब हम पहुंचने ही वाले हैं हमारे गेट के पास। तो अभी हम यहीं पे अपनी वीडियो को रोकते हैं, बोर्डिंग के बाद की वीडियो दिखाएंगे अगले पार्ट में, ट्रैवल बाय विस्तारा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय डे।